गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हमारे ग्रामर की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले आज पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को जो है ग्रामर के तरफ से आठ भागों में, एट पार्ट्स में बांटा गया है। कितने काइंड्स में? एट काइंड्स में बांटा गया है। इसके एट काइंड्स में जो पहला काइंड आता है वो है नाउन। फर्स्ट काइंड है इसका नाउन। सेकंड काइंड इज प्रोनाउन। थर्ड नंबर हाँ तो हम पढ़ रहे थे तीन काइंड्स होते हैं। फर्स्ट काइंड इज नाउन, पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है वो होता है नाउन। सेकंड नंबर प्रोनाउन, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर वर्ब, फोर्थ नंबर वर्ब, फिफ्थ नंबर एडवर्ब, सिक्स नंबर प्रीपोजिशन, सेवन नंबर कंजक्शन एंड एट नंबर इंटरजेक्शन। ये हैं हमारे एट पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम जो है पूरे विस्तार से जो है इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नाउन। नाउन जो कि हम फर्स्ट क्लास से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो नाउन जो है फर्स्ट क्लास से अब तक हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी विशेष नाम को जो है क्या कहते हैं, नाउन कहा जाता है। नाउन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो नाउन की डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, थिंग, एक्शन एंड कंडीशन। मीन्स भी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, विशेषता का नाम हो, वस्तु का नाम हो, एक्शन का नाम हो या फिर स्थिति का नाम हो, इन सभी के नाम जो हैं क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अर्थात कोई भी नाम जो है, नाम जो भी नाम होगा वो सभी नाम जो हैं नाउन के नाम से जाने जाते हैं। नाउन को जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम नाउन को जो है दो भागों में बांटते हैं। किस आधार पर? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। पहले हम किस बांटते हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। पहला है काउंटेबल एंड दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन, जैसा कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि काउंटेबल, काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन जो है वो नाउन है जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन में अगर मैं कहूँ बॉय, गर्ल, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं, क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, कितने स्टिक्स हैं, कितनी पेंसिल हैं, कितने इरेजर हैं, कितनी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। बट लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आपकी प्लेट में जो है कितने चावल हैं, तो क्या आप बता सकते हो काउंट करके कि कितने चावल हैं? नहीं। ठीक है, आपके सिर के ऊपर कितने बाल हैं, तो बता सकते हो क्या कितने बाल हैं? नहीं ना। तो ऐसी वस्तुओं के नाम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और ऐसी वस्तुओं के नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाने जाते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को भी जो है फिर अगले तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला काउंटेबल नाउन जो है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले रखते हैं प्रॉपर नाउन को। इसको रखते हैं सबसे पहले, प्रॉपर नाउन को रखते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कॉमन नाउन। सेकंड नंबर कौन सा है? कॉमन नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा जो है जो कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत शामिल होते हैं कहलाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को कितने में,
हमें पता लग गया काउंटेबल नाउन को जो है तीन भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। तो अनकाउंटेबल नाउन को जिन दो भागों में बांटा गया है वो है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को जो है हमने देखा, नाउन को पहले हमने गिनती के आधार पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो भागों में बांटा, उसके बाद में काउंटेबल नाउन को जो है हमने तीन भागों में विभाजित कर लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें भी हमने जो है दो भागों में विभाजित कर लिया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से कुल टोटल जो है हमारे पास पाँच प्रकार के नाउन हो गए जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन जो है, प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा नाउन जो कि किसी भी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या फिर जगह के बारे में बताता है उसे जो है हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन हम किसे कहेंगे, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन के नाम से। जैसे कि आपका ही नाम ले लो, सोनू, विनय, निकिता, अर्थात कि किसी भी लड़के, लड़की, महिला, पुरुष, किसी का भी नाम हो जिसे कि हम प्रॉपरली उसी नाम से बुलाते हैं और उसी के नाम से जानते हैं वो कहलाता है प्रॉपर पर्सन। नेक्स्ट प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस मीन्स जिस जगह पे आप रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ये सभी क्या हैं, स्थान विशेष के नाम हैं। तो ऐसे जो कि विशेष स्थान के नाम होते हैं, विशेषता बताते हैं, विशिष्ट होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर प्लेस के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग के लिए जैसे कि हम क्या करें, रामायण, रामायण, टेबल, चेयर, तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, किसी भी प्रॉपर चीज़ के बारे में बताती हैं कि ये रामायण, गीता, बाइबल एट्सेट्रा, जिस किसी का भी प्रॉपर नाम हो उसको जिसे हम उसी के नाम से जानते हों, उसी के नाम से हम समझ जाते हैं। जैसे कि हमें रामायण बोला जाता है तो रामायण का नाम लेते ही हम समझ जाते हैं कि वही रामायण जिसके अंतर्गत राम सीता की कहानी है। गीता का नाम लेते ही हम जान जाते हैं जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए। बाइबल का नाम लेते ही हम जान जाते हैं जो कि प्रभु यीशु के उपदेशों के बारे में गाथा है। तो इस तरीके से जो भी उसकी विशिष्टता होती है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसी के नाम से उसको जानते हैं। तो ये कहलाता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद जो अगला नाउन आता है वो हमारा आता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो नाउन है वो है कॉमन नाउन, नेक्स्ट कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन कौन से नाउन होते हैं, वो नाउन जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को कॉमनली बताते हैं, सम्मिलित रूप से बताते हैं। जैसे कि
कॉमन पर्सन कॉमन पर्सन नाउन में क्या आएगा? बॉय मीन्स कोई भी बॉय, गर्ल, वुमेन एटसेट्रा. नेक्स्ट कॉमन प्लेस के नाम पे हम क्या ले सकते हैं? कॉमन प्लेस सिटी कोई भी सिटी, दिल्ली महाराष्ट्र दिल्ली मुंबई पुणे जयपुर एटसेट्रा. टाउन कोई भी टाउन हो. नेक्स्ट स्कूल, जैसे हमारा स्कूल बीएचडी पब्लिक स्कूल और अन्य स्कूलों के नाम भी होते हैं, अपने अपने स्कूल जो है अपने अपने नाम रखते हैं. नेक्स्ट कॉमन थिंग्स के अंतर्गत क्या आते हैं? बुक, जैसे कि हमने पिछले प्रॉपर नाउन में पढ़ा रामायण क्या थी? प्रॉपर नाउन था जिसके अंतर्गत हमें पता था कि इसमें राम सीता की कहानी है. लेकिन अगर हम कहें कि बुक, तो बुक जो है कोई भी बुक हो सकती है, वो रामायण भी हो सकती है, वो गीता भी हो सकती है, वो आपकी इंग्लिश की बुक हो सकती है, वो आपकी मैथ्स की बुक हो सकती है, वो आपकी साइंस की बुक हो सकती है. नेक्स्ट टेबल, कोई भी टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, आपकी स्टडी टेबल, किसी भी प्रकार की टेबल हो, चेयर एटसेट्रा. इस तरीके से जो है जो एक ही जाति के बारे में बताते हैं, मतलब एक ही चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक जैसी वस्तुओं के बारे में बताते हैं, एक जैसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं? द नाउन which denotes a group of persons or other creatures and collection of things. तो collective noun कौन से noun होते हैं? उन nouns के अंतर्गत जिनके अंतर्गत हम व्यक्तियों के समूह को, वस्तुओं के समूह को, प्राणियों के समूह को सामूहिक रूप से जानते हैं. जैसे कि आपकी class. class क्या होती है? क्लास में जो है स्टूडेंट्स का समूह होता है. किसी भी एक विद्यार्थी से या फिर किसी भी एक स्टूडेंट से जो है क्लास नहीं बनती, बल्कि क्लास किससे बनती है? क्लास के अंतर्गत जो है जब कई बच्चे बैठते हैं तो वो मिलकर के क्लास बनती है. और क्लास में जब तक स्टूडेंट्स और टीचर ना हो तब तक क्लास का निर्माण नहीं हो सकता. तो क्लास को जो है क्लास में कलेक्शन के रूप में जो है क्या कहा जाता है कि इसमें टीचर्स और बच्चे दोनों होते हैं और तभी ये क्लास का निर्माण होता है. क्लास के अलावा आर्मी क्या होता है? आर्मी भी जो है कलेक्शन होता है सोल्जर्स का. किसी भी एक सैनिक से आर्मी का निर्माण नहीं होता, बल्कि सैनिकों से जो है कई सारे सोल्जर्स से जो है आर्मी का निर्माण होता है. इसी तरीके से लाइब्रेरी हम सभी जानते हैं. लाइब्रेरी जो है हमारे बैग में भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन क्या हम उस बैग को, तुम्हारे बैग में जो बहुत सारी किताबें उसे तुम लाइब्रेरी कह सकते हो? नहीं. लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं. तो आज हमने पढ़ा नाउन के अंतर्गत हमने काउंटेबल नाउन में जो भी हमने पढ़ा है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन का विवरण किया था और इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा. प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, जैसे कि मेरा नाम, तुम्हारा नाम एटसेट्रा. कॉमन नाउन के अंतर्गत जो है किसी भी एक ही जैसी वस्तु स्थान जगह या फिर व्यक्तियों के बारे में जो नाम हो वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं. और कलेक्टिव नाउन जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह के रूप में जानते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जैसे कि क्लास, आर्मी, लाइब्रेरी एटसेट्रा.
नेक्स्ट हमारे दो नाउन बचते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके लिए मैं जो है आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ, और होमवर्क के रूप में जो है मैं आपको कुछ प्रॉपर नाउन्स के नाम दे रही हूँ। आपको क्या दे रही हूँ, कुछ प्रॉपर नाउन्स के नाम दे रही हूँ। इन प्रॉपर नाउन्स को आप क्या करेंगे, इन प्रॉपर नाउन्स को आप कॉमन नाउन में चेंज करेंगे। इन प्रॉपर नाउन्स को आप कॉमन नाउन में चेंज करेंगे। तो कॉमन नाउन में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको दिया द ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र, अफ्रीका, बेंगलुरु, राधिका, इंग्लैंड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, गीता, बस आप इतने इन प्रॉपर नाउन्स को जो है कॉमन नाउन में बदलेंगे। आज का आपका यही होमवर्क है, और इसके लिए आप ये पूरे नोट्स जो है ठीक ढंग से अपने फेयर कॉपी में तैयार करेंगे, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके लाएंगे। आगे का जो है हम नेक्स्ट जो हमारे दो नाउन्स बचते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।